विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि जो फार्मा कंपनियां नकली दवाइयों के रूप में मौत का जखीरा तैयार कर रही हैं, यदि उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। पीआईटीवी से बातचीत करते हुए लखनपाल ने कहा कि बड़े अचरज का विषय है कि फार्मा कंपनियों के 100 से अधिक दवाइयों के सैंपल फेल हो जाते हैं, बावजूद इसके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इसी के चलते 10 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अभी तक मौतों का कारण स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ठोस व सार्थक कार्रवाई अमल में न लाए जाने पर बरसर कांग्रेस को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब ये नकली दवाइयों का जो जखीरा जो तैयार हो रहा है, तो ये मैं तो सब कहूंगा कि वो मौत का जखीरा तैयार हो रहा है। मौत तैयार कर रहे हैं हम दवाइयों के माध्यम से। मैंने तो जेनेरिक दवाइयों का भी मुद्दा उठाया था कि जो आपकी जेनेरिक दवाइयाँ हैं उससे असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि हम क्या करें, अब सरकार का दबाव है, हमें लिखना पड़ता है। और जेनेरिक दवाइयों का भी देखने में आ रहा है कि उसमें सिर दर्द की जो टेबलेट है उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, बीपी में कोई लाभ नहीं हो रहा है, शुगर में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ क्यों बेची जा रही हैं? लोग तो उग्र हो रहे हैं। से बड़सर में 9 साल की बच्ची की मृत्यु हुई, वो इंजेक्शन घटिया था क्या था ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से हॉस्पिटलों में मृत्यु हो रही है और दर बढ़ रही है, लोग उग्र हो रहे हैं। जब उग्र होंगे तो हम लोग कांग्रेस पार्टी चुप थोड़ा ना बैठेगी। हमारा दायित्व बनता है, जनता के प्रति हमारा भी जिम्मेवारी है। अगर जनता को कहीं नुकसान हो रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे आंदोलन करने की जरूरत है, तो हम आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को झकझोरेंगे। पीआरटीवी के लिए बड़सर से ब्यूरो रिपोर्ट।